वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन रुपए का सिंबल आप कैसे बना सकते हैं एमएस ऑफिस में। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि पुराने जो कीबोर्ड होते हैं उसमें वो सिंबल नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें आपको सिंबल देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस ऑफिस खोल लेते हैं फ्रेंड्स। तो एमएस ऑफिस खोल लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने सर्च किया और यहाँ पर खोल लिया एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस खोलने के बाद आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैंक है। तो चलिए, हमें यहाँ पर बनाना है मुझे एक रुपए का सिंबल, इंडियन रुपए का सिंबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए करेंगे यहाँ पर एक कोड लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ आपको दो मेथड बता रहा हूँ आप जिससे रुपये का सिंबल अपने वर्ड में ला सकते हैं, एमएस वर्ड में ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला मेथड ये है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। फ्रेंड्स, मैं फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे वो क्लियरली दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 72 है मैक्सिमम, तो चलिए हम यहाँ पर 72 से देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स, हमने ये कर लिया बड़ा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर B9। तो हमने 20B9 यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अल्ट। फ्रेंड्स, यहाँ हमें अल्ट और एक्सप्रेस करना है, तो हम अल्ट और एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रुपए का सिंबल बन चुका है। तो हमें उसके लिए, हमने उसके लिए क्या किया फ्रेंड्स, हमने उसके लिए किया है, मैं आपको नीचे लिख के बता दे रहा हूँ कौन सी की हमने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, हमने नीचे यूज़ किया है 20B9ALT प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा की है फ्रेंड्स, ये हमने की को यूज़ किया है। ये लिखने के बाद, इसे लिखने के बाद 20B9 लिखने के बाद हम ए अल्ट प्लस एक्स का ये जो सिंबल अल्ट एक्स हमने दबाया है, तो इस तरह का सिंबल हमें बन के मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ एक मेथड। तो आप ये सब नहीं करना चाहते आप, तो एक और हमारे पास मेथड है जो आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे पास सेकेंड मेथड क्या है फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड हमारा ये है कि आपको चला जाना है जीमेल अपने गूगल पर, गूगल सर्च इंजन में जाना है। तो फ्रेंड्स, हम गूगल सर्च इंजन में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, गूगल सर्च इंजन आ गया, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है रुपए फोरेडियन, फोरेडियन रुपए फोरेडियन टाइप करना है। तो फ्रेंड्स, हमने रुपए फोरेडियन यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमें देखने को मिल रहा है डाउनलोड फ्री फॉन्ट रुपए फोरेडियन, तो हम यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें आपने क्लिक कर लिया है, ये डिपेंड करता है कब खुलता है, डिपेंड करता है नेट कनेक्टिविटी आप कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ नीचे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको डाउनलोड फॉन्ट लिख रहा है 36.3 KB में, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ओपन या सेव एज पूछा जाएगा, तो आप सेव एज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ सेव एज करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, एक zip फाइल में हमारा ये आ चुका है। तो इसे अभी हम खोल लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, हम यहाँ से खोल लिए हमने। तो यहाँ हमने देखिए ऊपर वाले जो आपको दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिख रखा है मेरा, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए लिख रखा है, हम रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने में। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे वापस फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे रुपए, ऊपर में जहाँ पर फॉन्ट वाला स्पेस है फ्रेंड्स, वहाँ हम टाइप करेंगे रुपए फोरेडियन। तो देखिए फ्रेंड्स, रुपए फोरेडियन आ चुका है, देखिए ये वाला फ्रेंड। तो हम यहाँ पे कर लिए फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, हमें एक वर्चुअल की ज़रूरत है, तो हम यहाँ रन कमांड में जाएंगे फ्रेंड्स। रन कमांड में आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे वर्चुअल की के लिए OSK। हम यहाँ फिर से टाइप करके दिखा देता हूँ, OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो OSK की कमांड टाइप करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक वर्चुअल कीबोर्ड आ गया हमारे सामने, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वाला। तो हमें ये आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये हमें स्क्रीन, ये जो पोर्शन है वाइट जो हो रखा है, उसे हमें प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे प्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये प्रेस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है, ये देखिए, जितने बार हम फ्रेंड्स करेंगे ये इतने बार ही यहाँ पर पेस्ट होता चला जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक और तरीका है फ्रेंड्स आपको उस सिंबल को लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक और तरीका क्या है वो देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप चले जाइए इंसर्ट में वर्ड के, और यहाँ पर सिंबल,
और फ्रेंड्स आप ये देखिए यहाँ पर सिंबल आ चुका है। यहाँ पर अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तो आपको यहाँ पर रुपए फोरेडियन यहाँ पर डालना होगा। फ्रेंड्स आपका जो भी फॉन्ट ऑफ फॉन्ट में रुपए फोरेडियन डालना होगा, और इन डालने के बाद ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं अपने फॉन्ट को यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम जितना इंसर्ट करेंगे उतना बार ये आता जाएगा। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम इधर से बाहर निकलते, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या ये आता है। ओके फ्रेंड्स ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम रख के इंसर्ट करते जाएंगे फ्रेंड्स ये आता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा प्रयास जिसे आप सीख सकें कि आप अपने पुराने कीबोर्ड में कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। आपका पुराना कीबोर्ड होगा तो भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको वर्चुअल कीबोर्ड। मैंने केवल आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर ला कर रखा है, तो आप चाहे तो वर्चुअल कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आपने दो मेथड जाना, पहला कि 20B9 अल्ट एक्स आप प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड मेथड आपको इस फॉन्ट को रुपए फोरेडियन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे परमानेंटली इसे इंस्टॉल कर लीजिए और आप जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो फ्रेंड इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहो हमेशा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।